हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाऊंगी नवरात्र की व्रत वाली रेसिपी। जो नवरात्र में व्रत रखते हैं वो बिना प्याज लहसुन की थाली बनाऊंगी। रेसिपी में क्या क्या बनाई हूँ वो आपको मैं आज शेयर करूंगी। मैंने 2-3 आइटम बनाई हूँ तो वो मैं आपको शेयर करूंगी। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड्स। और मैंने ली हुई साबूदाना 1 कप, तो उसको लेके अच्छी तरह कढ़ाई में थोड़ा 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में ही उसको भुनना है। वो भी ज़्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट के लिए ही भुनना, और उसको ठंडा करके मिक्स में पाउडर बना के उसका पराठा बनाऊंगी। और अभी ये भुन गया है, इसको अभी ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ठंडा हो जाएगी तो मिक्स में डाल के उसको पाउडर बनाएंगे, उसका आटा बनाएंगे। और मैंने 2 मिर्ची ले ली हूँ, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, वो भी छोटे छोटे टुकड़े में कट करके मिक्सर कप में ले ली हूँ। और 1 टमाटर ले ली हूँ और थोड़ी सी काजू भूज के ले ली हूँ, उसको मिक्स में डाल के प्यूरीट बना दूँगी। और पहले से मैंने आलू को उबाल के रखी हूँ छील के, और इसका प्यूरीट भी बन गया। और आलू को जो रखी हूँ ठंडा करके छील के, उसको भी छोटे छोटे टुकड़े में कट कर दूँगी। वो भी 4 पीस करके मैंने कट कर दी हूँ। और आलू की सब्जी बनाऊंगी व्रत में। आलू का सब्जी खाते हैं और पराठा, और बिना प्याज लहसुन का बनेगी इसके लिए। तो कढ़ाई गरम कर दी हूँ मैंने। कढ़ाई जैसे गरम हो जाए तो 1 चम्मच घी ले ली हूँ। अगर जिसने तेल खाता है तो तेल भी ले सकते हैं। तो घी जैसे गरम हो जाएगी तो मैंने 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर दी हूँ, और उसमें थोड़ी सी करी पत्ता ऐड कर दी हूँ। और जैसे ही भुन जाए तो उसके अंदर वो सारे प्यूरीट को डाल दूँगी, और उसको 2 मिनट तक भुनना है। और इसके अंदर अभी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार मिर्ची पाउडर, और थोड़ी सी जीरा धनिया का पाउडर घर में भुजी हुई पाउडर किया हुआ, और सिंधा नमक जो व्रत में खाते वही नमक ऐड कर दी। और 5 मिनट तक इसको भी भुनने देते हैं जब तक थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद अभी जो कटे काट के रखे थे आलू को ऐड कर देंगे, और वो भी अच्छी तरह से चारों तरफ मिक्स कर देंगे। उसको भी 5 मिनट तक उबाल आने देते हैं, और जब थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो उसको बंद कर देंगे। अभी इसको उबालने देते हैं और जूस और आलू के संग मिक्स हो जाएगी पूरा। और इसके ऊपर अभी मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी हूँ, क्योंकि उसकी फ्लेवर से करी बहुत ही टेस्टी आती है। और धनिया मेरे पास थी नहीं तो मैं डाली नहीं, धनिया भी डाल सकते हो। तो अभी ये गाढ़ा बन गया, आलू की करी जूसीला जूसीला बन गया। अभी इसको बंद कर देंगे गैस को, और उसको गैस के ऊपर से नीचे उतार देंगे। और अभी मैंने मिक्स का कप ले ली हूँ, और साबूदाना ठंडी हो चुकी है। अभी मिक्स के जार में डाल के उसको अभी पाउडर बनाएंगे। तो ये अच्छी तरह पाउडर बनती नहीं है, इसके लिए उसको छानना पड़ता है। तो अभी एक बार पाउडर बना के ला के छान लूँगी, और जो बचेगा उसको फिर दोबारा मिक्सी में डाल के फिर पाउडर बना के इसके अंदर ऐड करेंगे छान के। अभी एक बार हो गया, और फिर और एक बार जो बचा हुआ उसको भी डाल के और एक बार घुमा के फिर छान के इसके अंदर ऐड कर दी। अभी इसका आटा बन गया है। अभी ये भी थोड़ा ज़्यादा पाउडर जैसा नहीं बनता है, थोड़ा दरदरा रहता है लेकिन चलता है। इसके अंदर थोड़ी सी जीरा और कसूरी मेथी और आलू 2 डाल दी हूँ,
और सिंधा नमक डाल के इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के उसको डो बनाना है। और क्योंकि साबूदाना में पानी ज़्यादा खींचती है, इसके लिए इसको थोड़ा थोड़ा डाल डाल के जब तक कोई स्मूथ सा डो ना बन जाए तब तक उसको डाल डाल के धीरे धीरे डो बना के 5 मिनट के लिए उसको रेस्ट दे देते हैं और ढक के, और इसको 5 मिनट के बाद उसको पराठा बनाएंगे। और अभी मैंने ले ली हूँ थोड़ी सी दूध फाड़ के, छेना ले ली हूँ मैंने, आधा लीटर दूध थी मेरे पास तो उसको फाड़ के छेना ले ली हूँ, और छेना को एक छोटा सा मिक्स कप में फिर डाल दी हूँ। इसको हाथ से मसल के तो होगा लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगी। और एक चम्मच मिल्क पाउडर ले ली हूँ, और मिल्क पाउडर नहीं हो तो मैदा भी ले सकते हो, लेकिन मैंने मिल्क पाउडर ले ली और उसको मिक्स में डाल के एक बार घुमा ली तो उसका अच्छा सा चिकना सा बन गया। और इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के और थोड़ा घी डाल के और थोड़े से खाने का सोडा एक चुटकी डाल के उसको अच्छे तरह से मसल के उसको एक रोल बना के कट कर देने का है, छोटे छोटे पीस का, जो एक टाइप बराबर साइज का बनेगी तो उसको कट कर दी। और उसको गोले बनाना है, हाथ से गोले बना के चपटा करके छोटा छोटा बना के उसको प्लेट में रखना है। और मैंने कढ़ाई में गैस के ऊपर कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ और उसके ऊपर घी डाल के, घी से बनाती हूँ तो घी भी डाल दूँगी 2 चम्मच घी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी बनेगी तो इसके लिए थोड़े से घी ली हूँ 2 चम्मच। और उसको छोटे छोटे गोले बना के हाथ से चपटा चपटा करके रखेंगे, और उसको जितना निकलेगा एक एक बार में 4-4 निकाल लेंगे तो तल के इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, ये तो थोड़ा काला भी बन जाएगा, ज़्यादा डार्क ही बन जाएगी क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर पड़ा है, तो ये अभी फ्राई हो गया, उसको निकाल देते हैं। और दूसरी बार भी ऐसे ही डाल के उसको भी लाल होने तक उलट पुलट करके फ्राई करके उसको भी निकाल देंगे। और अभी मैंने वही पीतल की कटोरी में दूध 1 कप डाल दी हूँ और उसमें 1 चम्मच शक्कर ऐड कर दी हूँ और थोड़ी सी इलायची कूट के डाल दी हूँ, और उसको चम्मच से घुमाते रहने का है जब तक उबाल आए। उबाल आके थोड़ा सा गाढ़ा जब तक बन जाएगा उबाल के, तो गैस बंद कर देना है और इसके अंदर ये सारे तले हुए मिठाई को इसके अंदर डाल देना है। इसको बोलते हैं मिल्क मालपुआ या दूध मालपुआ बोलते हैं, तो इसके अंदर मैंने ऐड करके अभी साइड करके रख दी ही। 10 मिनट ऐसे गर्मा गर्म में छोड़ देना है। और अभी तवा ले लिया हूँ और वही साबूदाने की आटे की डो को ले ली हूँ, उसको गोले बना के, ये डायरेक्ट बेलन में नहीं बेल सकते हैं, चिपकेगा, इसके लिए मैंने पूरी मशीन में थैली डाल के उसको प्रेस कर दी हूँ। और जो कोई बेलन से बेलता है तो पेपर डाल के बेल सकते हैं। और मैंने मेरे पास एक चौरस वाला कवर था तो डाल के, मैं सोची गोल तो हमेशा बनाती हूँ लेकिन आज चौरस बना दूँगी, क्योंकि इसको बेलने के बाद थोड़ा सा फटा फटा रहता है चारों तरफ तो अच्छी नहीं लगती है, इसके लिए उसमें चिपका दी तो चौरस वाला पराठा बन गया। तो उसके ऊपर जो बचा हुआ घी थी वो तलने के बाद मालपुआ, तो वही घी को थोड़ा एक चम्मच इसमें ऐड करके उल्टा पुल्टा के पराठा को सेक दी, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है साबूदाना के पराठे। और व्रत में ये खाओ तो अच्छी भी है, सेहत के लिए भी अच्छी है और खाने के लिए भी अच्छी लगती है। ये पराठा भी मेरा बन के रेडी हो गया, और अभी मालपुआ भी भीग चुकी है दूध में, वो भी अच्छे से स्मूथ सा बन गया है, एकदम पूरा रसीला जैसा, गुलाब जामुन जैसा, लेकिन ये गुलाब जामुन जैसा नहीं लगेगा, ये मिल्क पाउडर से बना है, दूध से तो छेना से, तो छेना मालपुआ है। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है, एक बार बना के ट्राई करके खाना ज़रूर, बहुत ही टेस्टी लगती है इसमें। और ये बन के रेडी हो गया है और अभी व्रत का थाली के लिए सब करेंगे।
तो मेरे पास पीतल की थाली थी और कटोरी, वो निकाल दी और इसमें पराठा भी निकाल दी और आलू की सब्ज़ी और मालपुए दूध के संग वो भी सब कर देंगे और थोड़ी सी फ्रूट्स खाने के लिए तो मैंने इसके ऊपर गार्निश के लिए बादाम को थोड़ा कट करके डाल दी हूँ और थोड़ी सी अनार छील के उसमें पीनट या मूँगफली थोड़ा ले ली हूँ और थोड़ी सी एप्पल स्टिक में डाल के एप्पल स्टिक ले ली हूँ और मेरी अभी थाली रेडी हो गई है। बाय फ्रेंड्स।